अस्सलाम वालेकुम अनियादिन टीवी, हमेशा की तरह एवरी ट्यूसडे बाबर मलिक के साथ एक्सपर्ट ओपिनियन। सो आज हम गुफ्तगू का सिलसिला शुरू करेंगे। आपको अगर जितने भी लोग हमें फॉलो कर रहे हैं तो आपको अच्छी तरह अंदाजा है कि हम ज्यादातर बात कर रहे थे उसकी क्या नाम लेते हैं लाइफ स्टॉक की। सो मैं चाहूंगा कि लाइफ स्टॉक पे तो हम बिल्कुल बात करेंगे क्योंकि वो हम सिर्फ एक ही सेक्टर लेके चल रहे थे, लेकिन क्योंकि इस वक्त मेरे साथ बाबर मलिक साहब मौजूद हैं और मैं चाहूंगा कि इस वक्त पाकिस्तान में स्पेशली स्टील मिल के हवाले से एक बहुत ज्यादा हुहा हो रही है, तो मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ी सी बाबर मलिक साहब उस पर थोड़ी सी रोशनी डालें। जी, थैंक यू फहीम सर। बेसिकली पाकिस्तान स्टील मिल एक गवर्नमेंट का अदारा है, एक कॉरपोरेशन है जो 1971 में जो है गवर्नमेंट ने एक स्टील मिल या एक स्टील फाउंड्री जो है उसको इस्टेब्लिश करने का फैसला किया कि हम इस पाकिस्तान स्टील मिल के तहत जो है वो स्टील मैन्युफैक्चरिंग का काम शुरू करेंगे ताकि हम अपने लोकल स्टील खुद बना सके और हमें बाहर से इंपोर्ट ना करनी पड़े। इस काम को जब गवर्नमेंट ने शुरू किया तो उस वक्त अमेरिका से और रशिया से दोनों मुल्कों से कंसल्टेशंस रहीं और फाइनली जो है रशिया की गवर्नमेंट ने ये एग्री किया कि हम इस स्टील मिल को सेटअप करने में आपको टेक्निकल सपोर्ट वगैरह और मुख्तलिफ मशीनरी वगैरह प्रोवाइड करेंगे। ये एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल यूनिट है। तकरीबन इसको जब ये शुरू किया गया 1971 में उससे लेके इसकी पूरा का पूरा सेटअप लगने में काफ़ी सारे साल लग गए। 1985 में ये स्टील मिल का जो तमाम तर सिलसिला है नई मशीनरी लगने का वो कंप्लीट हुआ। 1971 से शुरू हुआ, 1985 में ये एक तरह से हम कह सकते हैं कि मुकम्मल तौर पे पाकिस्तान स्टील मिल जो है वो लग गई और उसके तमाम यूनिट्स जो हैं वो फंक्शनल हो गए। लेकिन जल्दी ही ये अंदाज़ा हो गया कि गालबन एक प्राइवेट इंडस्ट्री को चलाना शायद बहुत उसके नुकसानात हैं इकॉनमी को भी और गवर्नमेंट भी शायद इतने अच्छे तरीके से नहीं चला सक रही थी। तो 2006 में इस बात को रियलाइज करते हुए इसको प्राइवेटाइज करने की कोशिश की गई। एक दौर चला प्राइवेटाइजेशन का जिसमें बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो गवर्नमेंट सेक्टर में रन कर रही थी और असेंशली वो एक प्राइवेट सेक्टर का या कमर्शियल एक्टिविटी थी, लेकिन 70 की दिहाई में एक जो नेशनलाइजेशन का एक सिलसिला चला तो वो गवर्नमेंट सेक्टर में वो चीज़ें रन होनी शुरू हो गई, कमर्शियल एक्टिविटीज़ भी, तो उनको प्राइवेटाइज करने का एक सिलसिला शुरू किया गया जिसमें जहाँ पे मुख्तलिफ और इदारों को प्राइवेटाइज किया गया जिसमें मुस्लिम कमर्शियल बैंक था, कराची इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी थी, PTCL थी, इसी तरह पाकिस्तान स्टील मिल को भी प्राइवेटाइज करने की ख्वाहिश गवर्नमेंट ने ली। लेकिन हुआ ये कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया कि ये हम मतलब ये नहीं, उसकी इजाज़त नहीं दी और उस पर जो है वो ऑब्जेक्शन लगा दी और इस सिलसिले को उन्होंने रोक दिया। अनफॉर्चुनेटली जब पिछली दफा जब हमारे एक्स चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब ने कंडीशन लगाई थी। जी, ये 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 जो सारा प्राइवेटाइजेशन का सिलसिला जो 2006 में शुरू हुआ ये शौकत अजीज की गवर्नमेंट में शुरू हुआ और मुख्तलिफ कंपनियां को प्राइवेटाइज करने का जब एफर्ट शुरू की गई तो गवर्नमेंट चंद केसेस में कामयाब हो गई, लेकिन बहुत सारे केसेस में जो है वो जस्टिस इफ्तिखार चौधरी के सुप्रीम कोर्ट ने सो मोटो लेके कुछ केसेस में जो है किसी कंप्लेनेंट को रिस्पॉन्ड करते हुए ये सिलसिले को रोक दिया। अब अनफॉर्चुनेटली हुआ ये है कि वो 2006-2007 से लेके अब तक जो है ये यूनिट ने ठीक ठाक नुकसान लॉस बनाना शुरू कर दिया और वो पाकिस्तान गवर्नमेंट को सिर्फ इसको एक अच्छा यूनिट लगा हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन पाकिस्तान गवर्नमेंट को जो है सिर्फ बेल आउट करने के हवाले से अब तक 2008 से लेके आज तक 58 बिलियन रुपीज का एक बेल आउट पैकेज अब तक गवर्नमेंट इसको दे चुकी हुई है। ऑब्वियसली ये एक सवाल पूछा जा सकता है कि जी अगर एक यूनिट नहीं चलाना था, अगर प्राइवेटाइज भी नहीं करना था और वो नुकसान बनाने वाला यूनिट था
तो ये 58 बिलियन उस यूनिट को, सिख यूनिट को क्यों दिए गए, और ये पैसे जो हैं गरीब मुल्क पाकिस्तान जैसा जो है उसने ये 58 बिलियन रुपीज़ जो हैं ये और सर्विसेज पे, जैसे अवाम की एजुकेशन है, अवाम की हेल्थ है, इन चीज़ों पे क्यों खर्च नहीं किए। इस वक्त एक न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन 400 बिलियन रुपए की लॉसेस और लाइबिलिटीज जो हैं वो कंपाइल हो चुकी हुई हैं पंजाब स्टील, पाकिस्तान स्टील मिल की। और ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि अगर आप गवर्नमेंट इसको प्राइवेटाइज करने जाती है तो क्या ऐसे इन्वेस्टर्स होंगे जो आएंगे, जब वो आएंगे तो किस किस्म की वो इसको ख़रीदने में किस किस्म का इंटरेस्ट वो लेंगे, किस किस्म की पेमेंट हमें करने में गवर्नमेंट को इंटरेस्टेड होंगे, और ये जो इनकी एग्जिस्टिंग लाइबिलिटीज़ हैं वो किस तरीके से हैंडल की जाएंगी, क्या गवर्नमेंट उन लाइबिलिटीज़ को पे करने के बाद 400 बिलियन रुपये आज के दौर में एक बहुत बड़ी अमाउंट है, क्या उसको पे करने के बाद इसको प्राइवेटाइज करेगी, तो ये सारे सवाल जो है अभी वो अपनी जगह पे रहते हैं। तो ये एक हिस्ट्री है जी पाकिस्तान स्टील मिल की, जो आई थॉट के जो भी आपने सवाल करने हैं वो उसका एक कॉन्टेक्स्ट जो है वो आपके सामने रख दिया जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अच्छा, अभी ऑब्वियसली जब हम स्टील मिल पर बात कर रहे हैं तो एक बाजारी तौर पर एक बात नजर आ रही है कि इस वक्त जो पीपल्स पार्टी है, सिंध हुकूमत जो उनसी है, वो बड़े जोरों से कह रही है कि जी नहीं, ये नहीं होना चाहिए, और वो एक जोर दे रहे हैं, तो वो किस बेसिस पे जोर दे रहे हैं, अगर थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन करें। जी, ये दो तीन वजूहत हो सकती हैं। पहली वजह तो पॉलिटिकल नेचर की है, क्योंकि ये जो नेशनलाइजेशन का प्रोसेस है ये मतलब पाकिस्तान में बुनियादी तौर पे नेशनलाइजेशन जो है या जो एक कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी है उसकी कोई बहुत ज़्यादा ग्रास रूट लेवल पे उसकी कोई कैपेसिटी बिल्ड नहीं हुई, जिसकी वजह से लगता नहीं है कि हमारे जो नेशनल अदारे हैं उनमें इस किस्म की कैपेसिटी है कि वो नेशनलाइज कमर्शियल यूनिट्स को चला सकें। लेकिन जुल्फिकार अली भुट्टो ने उस वक्त अपने आप को रशियन ब्लॉक के साथ लाइन काल बना, मैं उसकी पॉलिटिक्स को तो नहीं समझता, लेकिन उन्होंने नेशनलाइज बहुत सारे यूनिट्स को किया जो ऑलरेडी प्राइवेट डोमेन में चल रहे थे। उसके अलावा बहुत सारे नए यूनिट्स, नई कॉरपोरेशन जो है कानून साजी के तहत जो है उनको क्रिएट किया। तो एक तो वो हिस्ट्री है कि क्योंकि ये जुल्फिकार अली भुट्टो का इनिशिएटिव था नेशनलाइजेशन इदारों को पब्लिक मनी से बनाना और उसको चलाना, तो एक तो वो पॉलिटिकल रीजन है। उसके अलावा ये हमारे सिर्फ ये मैं पीपल्स पार्टी के हवाले से नहीं, और जगहों पे भी ऐसे ही है कि अनफॉर्चुनेटली जब भी कोई पब्लिक सेक्टर का इंस्टीट्यूट पुराना चल रहा हो या नया बन रहा हो उसमें हायरिंग के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा पोलिटिसाइज हो जाती है, वहाँ पे अपने वोट बैंक को अपने लोगों को अकोमोडेट करने के लिए जो है वो उनकी रिक्रूटमेंट की जाती है। और ऑब्वियसली जब वो प्राइवेटाइजेशन होगी, अगर उन लोगों को जैसे कि गवर्नमेंट कह रही है कि 9,500 लोगों को फारिग किया जाएगा, तो वो उसकी उसके अंदर इस चीज़ की काफ़ी पॉसिबिलिटी मौजूद है कि वहाँ पे गालिबन ये कराची में भी बेस्ड है, तो शायद बहुत सारी जो हायरिंग है वो पीपल्स पार्टी के दौर में हुई होगी और वो उसका जो नुकसान है, उसका जो फॉल आउट है उन लोगों को निकालने का, वो ज़्यादातर पीपल्स पार्टी के वोट बैंक में पहुँचेगा। तो दे कैन बी अ नंबर ऑफ एक्सप्लेनेशंस फॉर इट। उसका तो मेरे ख्याल में गवर्नमेंट हर एम्प्लॉय को तकरीबन 23 लाख के करीब देने जा रही है, तो वो एक तरह से जस्टिफाइड नहीं हो जाता? ऑब्वियसली हर किसी बंदे को 3 साल की वेज सुनने में आई है कि अपफ्रंट मिल जाएगी और उसके पास इनफ टाइम होगा कि वो किसी और इंडस्ट्री में जाके काम कर सके। सो मेरे तो ख्याल में कोई इतना बुरा पैकेज तो अभी बाजारी तौर पे तो नहीं लग रहा। एक तरह का गोल्डन शेक हैंड, अगर ये ऐसी है जैसे आप कह रहे हैं तो एक तरह का गोल्डन शेक हैंड हो गया, लेकिन पॉइंट वही रह जाता है कि इस किस्म की मुलाजमत जो है ना सिर्फ ये कि वो एक रोजगार और आमदन का एक एक तरीकेकार होता है, बल्कि उसके साथ बहुत सारी पावर और बहुत सारा इन्फ्लुएंस जो है वो भी कनेक्टेड होता है, तो वो उन चीज़ों को भी देखना चाहिए। और बहरहाल वो एक जो पॉलिटिकल ओनरशिप है, क्योंकि ये जुल्फिकार अली भुट्टो के इनिशिएटिव थे नेशनलाइजेशन का प्रोसेस, तो वो चीज़ें भी अपनी जगह पे हैं, तो उसकी पॉलिटिकल माइलेज अपनी जगह पे भी है। लेकिन पॉइंट बीइंग कि मैं थोड़ा सा आपको पता है कि कोशिश करता हूँ कि इस किस्म के जो टेक्निकल टॉपिक्स हैं उनको टेक्निकल लेवल पे वैल्यूएट करूँ
और पॉलिटिकल जो उस पे अपनी राय है उससे नहीं, क्योंकि जो आपने बात की ना, जो आपकी बात है उसमें मैं थोड़ा सा उसको एलैबोरेट करता हूँ, हमारे व्यूअर्स को थोड़ी सी समझ आ जाएगी। आपकी बात से मुझे एक बात समझ आई है कि जब आज से जब ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब पावर में आए थे तो वहाँ उन जमाने में सोशलिज्म और कम्युनिज्म का बहुत जोर था और एक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की तरफ पूरी दुनिया जा रही थी। तो उस वक्त ये देखा गया है कि बहुत सारी मुल्क जो से हैं वो नेशनलाइज अदारे चलते थे, उसमें से जो नॉर्मल बिजनेसमैन थे जो अपने वर्कर्स के साथ ज्यादती करते थे, तो उस वक्त एक स्ट्रगल थी कि सबको कहा जाता कि सारे अदारे जो से हैं वो नेशनलाइज कर दें, जिसमें भुट्टो साहब ने नेशनलाइज किए और आज तक पूरी उसके बाद जो सारी रजीम है, जितना भी बिजनेसमैन कम्युनिटी है, ये पाकिस्तान के जितने भी रिच लोग हैं, क्योंकि उनके इंटरेस्ट पे पड़ा तो वो आज तक वो भुट्टो बाशिंग उन्होंने छोड़ी नहीं। अच्छा, ये तो एक साइड होगी ना। दूसरी, आपकी बात से मुझे ये समझ आ रही है कि नेशनलाइज करने के बाद हमारे मुल्क में वो कैपेबिलिटी या हमारे गवर्नमेंट अदारों में वो कैपेबिलिटी नहीं थी कि वो एक्चुअली उन अदारों को सही तरीके से चला सके, जिसकी वजह से बस यही था कि थ्रू आउट जितनी भी गवर्नमेंटें आई हैं उन्होंने कोशिश की है कि अदारे जो है ना प्राइवेटाइज किए जाएं, इसलिए कि बहुत सारे नेशनलाइज अदारे जैसे चाइना में या इवन रशिया में चलते थे, हमारी गवर्नमेंटें उस इतनी ज्यादा इक्विपमेंट नहीं थी या वो एक विजन नहीं था, तो जिसकी वजह से प्राइवेटाइजेशन विल बी बेटर सोल्यूशन फॉर पाकिस्तान। दिस इज व्हाट आई अंडरस्टूड फ्रॉम योर साइड। सो अगर थोड़ा सा इस पर एलैबोरेट करें फिर मैं इस पर आपसे सवाल करूंगा। जी, टेक्निकली मैं कोशिश करता हूं इसका जवाब दूं। बुनियादी तौर पे ये बीइंग अ पॉलिसी एंड स्ट्रेटजी एक्सपर्ट, जब मैं भी पब्लिक सेक्टर के साथ काम कर रहा होता हूँ, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट हो, लाइफ स्टॉक हो या कोई इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट के साथ मैंने पहले काम किया, तो वहाँ पे एक डिस्कशन हमारी, और ये कोई आसान डिस्कशन नहीं है, इसका कोई एक हतमी हल नहीं है, लेकिन अक्सर वहाँ पे डिस्कशन हमारी ये चल रही होती है कि व्हाट आर द पब्लिक गुड्स और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि कमर्शियल गुड्स हैं। तो पब्लिक गुड्स से मतलब ये है कि वो तमाम एक्टिविटीज़ जो कि गवर्नमेंट को करनी चाहिए, पब्लिक सेक्टर को करनी चाहिए, क्योंकि उसकी एक वजह ये हो सकती है कि प्राइवेट सेक्टर उस जगह पे एंटर नहीं हो सक रहा क्योंकि प्रॉफिटेबल नहीं है। उसकी दूसरी साइड ये हो सकती है कि वो चीज़ इतनी इंपॉर्टेंट है, इतनी क्रिटिकल है कि आपके मुल्क की फाउंडेशन में उसने एक बड़ा मजबूत रोल प्ले करना है। मैं अगर आपको इसकी मिसालें दे सकूँ तो एजुकेशन सेक्टर, अमीर लोगों के लिए पाकिस्तान में एक एजुकेशन का सिस्टम मौजूद है, वो एजुकेशन सर्विसेज अपने बच्चों के लिए पे करके खरीदते हैं और वो वहाँ पे अपने बच्चों को एजुकेट करते हैं फ्रॉम नर्सरी लेवल टू हायर एजुकेशन। लेकिन जो हमारे मुल्क की एक बहुत बड़ी आबादी, गरीब आबादी है, वो आज एजुकेशन खरीद के अपने बच्चों को नहीं दे सकती, बेशक वो बेसिक एजुकेशन हो, प्राइमरी या हायर लेवल एजुकेशन हो। और इसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है हमारे मुल्क के, जब बच्चे पढ़ जाएंगे, एजुकेट हो जाएंगे, तो हमारे उनकी उनकी अपनी जिंदगियों को बेहतर करने का, माशरे में बेहतरी लाने का की अपॉर्चुनिटीज उनके लिए बढ़ जाएंगी। तो गवर्नमेंट के लिए ये मुमकिन नहीं है कि इंतज़ार करे कि ये गरीब बच्चों के लिए कोई कमर्शियल स्कूल आए और वो सस्ते में 2-4-5 रुपए में प्रॉफिटेबल भी हो और इन बच्चों को पढ़ा भी सके। तो एजुकेशन मोर और लेस अप टू लार्ज एक्सटेंट जो है वो एक पब्लिक गुड ही रहना है। उसका एक छोटा सा पोर्शन जो हमारे मुल्क के वो लोग हैं जो अफोर्ड कर सकते हैं एजुकेशन के लिए पे करना, वो कमर्शियल गुड रहेगा, लेकिन एक बहुत बड़ा पोर्शन हमारे मुल्क में एजुकेशन का जो है वो एक पब्लिक गुड ही रहेगा। इसी तरह हेल्थ एक बड़ा, इस पर भी प्राइवेट सेक्टर में भी हेल्थ मौजूद है, लेकिन आपके मुल्क का एक बहुत बड़ा आबादी का हिस्सा जो है वो पब्लिक हेल्थ पे डिपेंडेंट है। तो ये डिस्कशन हमारी, ये तो बड़े आसान टॉपिक्स थे, लेकिन कई जगहों पे इससे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स होते हैं कि जहाँ पे ये डिस्कशन चल रही होती है कि क्या ये चीज़ जो है ये पब्लिक गुड है या ये प्राइवेट सेक्टर को ही ये काम दे देना चाहिए। मैं आपको ये दो कॉम्प्लिकेटेड इश्यूज जो है उनकी मिसाल दे देता हूँ। लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट के साथ जब हम पॉलिसी पे काम कर रहे हैं तो जानवरों की वैक्सीन
पे ये डिस्कशन चल रही है कि क्या ये कमर्शियल गुड है या ये पब्लिक गुड है। लाइफ स्टॉक गवर्नमेंट, पंजाब गवर्नमेंट इस वक्त वैक्सीन मैन्युफैक्चर कर रही है और ये, और वो वैक्सीन से होता ये है कि जानवर मरने से बच जाते हैं। आप जब उनको की उनकी जो मेजर बीमारियां उनके वैक्सीनेट कर देते हैं तो आपके जानवर की पॉपुलेशन सेव, एक तरह से सेव कर लेते हैं उनको, उनको वो बीमारियां नहीं होती। तो अब ये सवाल ये है कि क्या, और ये बड़ा वैलिड सवाल है, इस पर दोनों तरफ आर्ग्यूमेंट दिया जा सकता है कि जी क्या वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग गवर्नमेंट को करनी चाहिए या वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग का काम प्राइवेट सेक्टर को दे देना चाहिए और गवर्नमेंट बेशक उनसे परचेज करके गरीब फार्मर को दे दे, या मुख्तलिफ इसमें पॉसिबिलिटीज हैं। तो ये एक डिस्कशन जो है पब्लिक गुड वर्सेस प्राइवेट और कमर्शियल गुड जो है ना, इसकी डिस्कशन जो है वो एक ऑनगोइंग डिस्कशन है जो चलती रहती है। तो अगर आप अपना सवाल थोड़ा सा मुझे दोबारा याद करा दें तो मैं उसको मेरा सिर्फ कहने का मतलब था कि इनिशियली जो मैं समझना चाह रहा था, जो आपकी गुफ्तगू से जो सारी बात समझ में आई है, वो यही समझ में आई है कि पिछली रजीम एक प्राइवेटाइजेशन के अगेंस्ट थी, जो इस वक्त आज भी अगर सिंध की गवर्नमेंट इसके ऊपर शोर मचा रही है तो रियलिटी में, क्योंकि उनका शुरू से एक स्टैंड है कि जी नेशनलाइज करना सारी चीज़ों को, वो उसकी उसी के ऊपर लगे हुए हैं। जबकि एक्चुअली स्टील मिल ने जिस तरह के फिगर्स आपने बताए हैं बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया, ठीक है। तो उसमें जो गुफ्तगू मैं आगे लेके चलना चाह रहा था, जो मुझे समझ आई है कि पाकिस्तान में इस तरह का मॉडल जो सा है, बहुत सारी चीजें जो सी हैं शायद नेशनलाइज की जा सकती हैं, जैसे भी आप उसमें भी फिर भी आपको कहीं ना कहीं प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व करना है, तभी काम आगे चलेगा। और अगर आप सारा कुछ नेशनलाइज कर लेंगे तो somehow वो गवर्नमेंटें, हमारी गवर्नमेंटें तो कम से कम जिस तरह के हमारे अदारे हैं, जिस तरह की हमारी वे ऑफ वर्किंग है, ज्यादातर लोग तो ऐसे भर्ती हुए हैं, बहुत सारे पॉलिटिकल लोग ऐसे भर्ती हुए हैं जिनके पास स्किल नहीं है लेकिन पार्टी की लॉयल्टी है या इस तरह की चीजें हैं, उसका नुकसान यही हुआ। PIA को ले लें, आप स्टील मिल को ले लें, या और भी, और वो जितने भी इदारों को आप खोलते जाएंगे तो आपको अंदाजा होगा कि पार्टियों ने, जितनी भी पार्टियां बस इकतदार रही हैं चाहे वो कोई भी पार्टी है, उन्होंने अपने लोगों को नवाजा, उन्होंने ये नहीं सोचा कि इस बंदे के पास स्किल भी है कि नहीं, और अगर स्किल होगा, अगर आपने स्किल बंदे रखने हैं, नहीं क्योंकि वो उनकी पार्टी का मेंबर था तो उन्होंने उसको जॉब दिलवा दी, और वो एक बड़ा ही गलत स्टैंडर्ड जो है ना वो सेट हो गया। लोग जो ऑब्वियसली पार्टियों को सपोर्ट करते थे उनको पता था कि हम पार्टी को सपोर्ट करेंगे तो हमें जॉब मिल जाएगी, हालांकि अगर बंदे स्किल की तरफ जाते तो अपनी स्किल बेसिस पे लेते तो पाकिस्तान ग्रो करता, ये बिल्कुल और तरह की बहस हो जाएगी। लेकिन सेइंग दैट मैं जो बात आपकी समझ रहा हूँ कि आप ये बात कह रहे हैं कि बहुत सारे अदारे व्हेन वी टॉकिंग अबाउट पाकिस्तान सिचुएशन, उनको प्राइवेटाइज करना एक सूटेबल, एक डूएबल चीज है, ना कि एवरीथिंग यू प्राइवेटाइज, मतलब कुछ चीजें आप ऐसी हो सकती हैं, या उसका दूसरा एंगल यह है कि आप जैसे यूके में यहाँ पे उसे कहते हैं ट्रेडिंग स्टैंडर्ड, वो एक तरह से कंट्रोल करते हैं जितने भी लोग, जितनी भी बड़ी से लेके छोटी इंडस्ट्री है, एक उनका स्टैंडर्ड मेंटेन रहे, एक वहाँ पे सही एनवायरनमेंट हो, वर्किंग एनवायरनमेंट हो, और दूसरा उनकी प्रॉफिटेबिलिटी को भी चेक करते हैं। ये नहीं कि आप यानी कि एक चीज में अगर आप 10-20 रुपए या 10% या 20% या मिनिमम प्रॉफिट 25% है, जो एक दुनिया का असूल है, जितनी बड़ी बड़ी कंपनी होती है उनका मार्जिन प्रॉफिट 25-30% के करीब रहे तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे लोग तो 200-100% पर पैसे बनाते हैं, चाहे वो किसी भी एंगल से बनाते हैं। सो उसको एक्चुअली गवर्नमेंट ने लेजिस्लेट करना होता है कि बिजनेसमैन बिजनेस रूल करे, लेकिन उसकी प्रॉफिटेबिलिटी की भी एक लिमिट होनी चाहिए जिसमें गवर्नमेंट लेजिस्लेट कर सकती है। सो मेरे ख्याल में हम आ जाते हैं दोबारा स्टील मिल पे, कि स्टील मिल इस वक्त अगर इन्होंने प्राइवेटाइज नहीं की, जो आपकी गुफ्तगू से मुझे लग रहा है, तो पाकिस्तान को और ज्यादा नुकसान होगा। पीछे भी
चाहे वो पाकिस्तान के चीफ जस्टिस हो या कोई भी हो, हर हर बंदे ने अपनी अपनी क्या कहते हैं शहीदों में लहू लगवाने वाले चक्कर में पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया है। आपकी नजर में जो बात मुझे समझ आई है कि स्टील मिल को प्राइवेटाइजेशन करना वो बेटर होगा, ना कि पाकिस्तान गवर्नमेंट उसका नुकसान उठाती रहे, ठीक है? हाँ, उसकी मोडालिटीज क्या है, किस तरह की ड्यूज होगी, दिस इज येट टू बी सीन। आपने मेरे ख्याल में यही बात की है। जी बिल्कुल, मैंने यही बात की है। मैं आप ही की बात को थोड़ा सा पुख्ते तरीके से अगर प्रेजेंट कर सकूं तो अगर हम ये कहें कि आपने वहाँ पे बात की कि स्किल, तो बिल्कुल ये इसको इस तरीके से देखें कि हमारे मुल्क के पास अगर 100 रुपये हैं, हमारे पास अनलिमिटेड वेल्थ तो नहीं है, और दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क के पास भी अनलिमिटेड वेल्थ तो नहीं होगी, हम तो बहुत कमज़ोर मुल्क हैं। तो अगर हमारे पास 100 रुपये हैं, उस 100 रुपये में से ऑलरेडी कुछ पैसा डेट सर्विंग में चला जाता है, कुछ पैसा हमारी सिक्योरिटी पे चला जाता है और ऑनगोइंग जो एक्सपेंसेस हैं उनमें चला जाता है, तो जो थोड़े बहुत पैसे हमारे पास बचते हैं उसको इस्तेमाल करने का सबसे बेहतर तरीकेकार क्या होना चाहिए, तो उसका जवाब मेरी नज़र में ये होगा कि हर वो एक्टिविटी जो कि एक कमर्शियल एंटिटी, एक प्राइवेट सेक्टर की कंपनी प्रॉफिटेबल तरीके से परफॉर्म कर सकती है, वो सारे के सारे काम में तो गवर्नमेंट को बिल्कुल एंटर नहीं होना चाहिए, इंक्लूडिंग स्टील मैन्युफैक्चरिंग। हाँ, वो चीजें जहां जो जिनकी अहमियत बहुत ज्यादा है उनको इग्नोर नहीं किया जा सकता, उनका होना जरूरी है, और प्राइवेट सेक्टर उसको प्रॉफिटेबली आने वाले कई सालों तक प्रॉफिटेबली नहीं उसमें परफॉर्म उसको कर सकेगा, तो वो एक चीज है जिसको आप पब्लिक गुड डिफाइन कर सकते हैं। और मैं अगर आप ही की बात को इस तरीके से दोबारा कर सकूं कि ये पैसे पाकिस्तान स्टील मिल में जाने की बजाय अगर हम अपने लोगों को स्किल डेवलपमेंट दे देते हैं, तो वो जो 9000 8000 12000 लोग जिनकी नौकरियां यहाँ पे लगी हुई थी और अब हम कह रहे हैं कि जी उनकी उनको उनको फारिग करा दिया, वो बेचारे क्या करेंगे, उसके मुकाबले में अगर यही पैसे उन 12000 14000 18000 लोगों को एक बेहतर स्किल डेवलपमेंट में सिखा दिए जाते तो वो आने वाले तमाम वक्तों के लिए जो है शायद हो सकता है इनमें से बहुत सारे पाकिस्तान से बाहर जाके मिडल ईस्ट में अच्छी अच्छी मुलाजमतें अच्छी और इससे भी बेहतर पैसे अपनी स्किल की वजह से कमा रहे होते। तो स्किल डेवलपमेंट एक ऐसी चीज है जो कि शायद कमर्शियल एक्टिविटी अभी तक है नहीं, अभी तक जो है वो कोई प्राइवेट कंपनी शायद आके प्रॉफिटेबली एक गरीब आदमी को प्लम्बिंग का काम और इस किस्म की चीजें नहीं सिखा सकेगी, तो ये एक पब्लिक गुड ही रहना है। तो पैसे जो थोड़े से हमारे पास मौजूद हैं क्या वो हमें स्टील बनाने में या मोबाइल की कंपनियां चलाने में लगाने चाहिए हैं जो कि कमर्शियल पार्टियां भी आके बड़े अच्छे तरीके से ये काम कर सकती हैं, या वो पैसे उन चीज़ों पर खर्च करने चाहिए जहां पे हमारी आवाम की सबसे ज़्यादा बेहतरी है। मैं एक फैक्ट इसमें और शामिल कर देता हूं जिससे ये बात मज़ीद क्लियर हो जाएगी कि पाकिस्तान स्टील मिल को बहुत अरसे पहले प्राइवेटाइज क्यों हो जाना चाहिए। पाकिस्तान में इस वक्त 140 स्टील मिल्स हैं प्राइवेट सेक्टर, तो क्या गवर्नमेंट की जरूरत रह जाती है कि वो भी एक स्टील मिल चला रही हो? या तो पाकिस्तान में स्टील होती ना, लोकल मैन्युफैक्चरिंग ही ना हो रही होती तो फिर भी बात समझ में आती थी कि जी कहाँ से सरिया आएगा कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए, कहाँ से बाकी चीजें आएंगी। तो वो ऑलरेडी जब प्राइवेट सेक्टर में 140 कंपनियां ऑपरेट कर रही हैं तो फिर क्या गवर्नमेंट के पास कोई जस्टिफिकेशन रह जाती है कि किस वजह से वो इस काम में अभी तक इन्वॉल्व है? तो ये उसको एक तरीका देखने का और भी है। लेकिन उसमें देखें, मैं फिर क्योंकि मैं आपसे पॉलिटिकल सवाल इसलिए नहीं करता कि आपकी फील्ड नहीं है, यू आर ट्रूली प्रोफेशनल पर्सन, लेकिन उसमें अगर आप देख लें तो देखने में बहुत सारी बातें हैं पीछे। यही स्टील मिल आज से बहुत अर्सा पहले ये 20 अरब महल में मुनाफा भी दे रही थी, और उसके बाद क्या हुआ, स्टील मिल को जो बिल्कुल 100 अरब नुकसान दे रही है। तो इसमें भी वो जो बाकी स्टील मिल की आप बात कर रहे हैं वहां पे लोगों के जब पॉलिटिकल लोगों के पास इस तरह की चीजें होंगी तो उन्होंने एक्चुअली इस इतने बड़े अदारे को जो इससे ज्यादा प्रॉफिटेबल हो सकता था उसको फेल किया, क्योंकि सब लोगों के अपने अपने टेक्निकल वर्ड उनके अपने अपने स्केलेटन्स थे, यानी उनके स्केलेटन्स से उनके इंटरेस्ट थे।
तो उन्होंने एक जो गवर्नमेंट रन अदारा था उसको उन्होंने गिराने की कोशिश की है। आपके सामने पीआईए भी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का अदारा था, कितनी उसके बाद प्राइवेट कंपनियां खोली हैं, उन वो बड़ी प्रॉफिटेबल है और पीआईए इज ऑलवेज बीन नोज डाइविंग। और अभी शायद पीआईए ने कोई प्रॉफिट कमाना शुरू किया है तो अनफॉर्चुनेटली ये एक्सीडेंट हो गया है और जो लोग इसके ऊपर कर रहे हैं। सो आप अगर थ्रू आउट देखें तो जितने भी पाकिस्तान के बड़े अदारे थे ये प्राइवेट लोगों ने आके, प्राइवेट प्लस पॉलिटिशियन ने आके अपने इंटरेस्ट को देखते हुए उनको अदारों को गिराया है। उसकी वजह से अब बाजारी तौर पे आप जैसा बंदा भी कहता है कि भाई गवर्नमेंटों के बस की बात नहीं है, जबकि गवर्नमेंटों में बैठे हुए लोग ही उन अदारों को गिरा रहे थे, ये मैं मानता हूँ। मैं अगर आप इजाजत दें मैं थोड़ा सॉरी मैं आपकी बात काट दी, इसको थोड़ा सा मैं पूरी बात को क्वालिफाई करते हैं, ठीक है, इस पूरी बात को क्वालिफाई करते हैं क्योंकि ये बड़ा जरूरी, मैंने अपनी टेक्निकल राय देनी है ना, तो मैं इसलिए उसको क्वालिफाई करना बड़ा जरूरी है। देखें आज अगर पीआईए दोबारा प्रॉफिटेबल हो जाती है तो आज अगर मैनेजमेंट दोबारा वापस रिवर्स हो जाएगी तो ये फिर नुकसान में चली जाएगी। आज अगर स्टील मिल प्रॉफिट में चल रही है तो ये गारंटीड है कि चंद सालों में ये फिर नुकसान में चली जाएगी। उसकी वजह क्या है? जब भी कोई कमर्शियल एक्टिविटी करने की कोशिश करते हैं, पहली बात तो है कि क्या गवर्नमेंट का ये काम है कि वो प्रॉफिट अर्निंग करे या ये प्राइवेट सेक्टर का काम है? एज ए प्राइवेट इन्वेस्टर अगर मैं एक बिजनेस में एंटर हूँ तो मुझे उसके प्रॉफिट को इंश्योर करना मेरी सबसे बड़ी जरूरत है। मैं लोग भी उसी तरीके और उसी वजह से रखूंगा कि जब मुझे प्रॉफिट बना के दे रहे हैं। मैं कोई चीज़ खरीदूंगा तो इसीलिए खरीदूंगा कि मुझे उसमें से प्रॉफिट नज़र आ रहा है। गवर्नमेंट का या पॉलिटिशियंस का तो ये मकसद नहीं होता कि मैंने प्रॉफिट बनाना है, ब्यूरोक्रेट का ये मकसद नहीं होता कि मैंने प्रॉफिट बनाना है, उनका वो माइंडसेट, वो सोच, वो ट्रेनिंग नहीं होती कि मैंने प्रॉफिट बनाना है। तो जब भी वो आते हैं तो उनकी कंसिडरेशन जो है वो प्रॉफिट मेकिंग होती नहीं है, जिसकी वजह से अगर आज आप एक अच्छा सीईओ ले आएंगे कोई आर्मी से रिटायर्ड या किसी प्राइवेट कंपनी से कोई बंदा आज ले भी आएंगे तो चंद साल वो कुछ ज़्यादा देर वो रह नहीं सकेगा इस सिस्टम के अंदर, और जब उसको उसकी रिप्लेसमेंट आएगी तो बात वही की वही आ जाएगी। उसकी वजह ये है, मैं वजूहात आपके सामने रख देता हूँ, ये बार बार देखी गई है ये चीज़ें। नंबर वन ये कि कोई भी पब्लिक सेक्टर की ऑर्गेनाइजेशन हो, खासतौर पर जहाँ सैलरीज जो है वो एक नॉर्मल पब्लिक सर्वेंट से ज्यादा होती है, तो वहाँ पे पॉलिटिकल इंटरफेरेंस की वजह से हायरिंग फायरिंग बहुत ज्यादा की जाती है। प्राइवेट सेक्टर को जब कोई मार्केट में कोई नई डिमांड नजर आए, कोई नया अपॉर्चुनिटी नजर आए, तो वो फटाफट अपने आप को शिफ्ट कर लेता है, उस हिसाब से नई हायरिंग कर लेता है, पुराने लोग फायर कर देता है। गवर्नमेंट जो है वो रिस्पॉन्ड बड़ी स्लो करती है ना, उनके लिए डिसीजन मेकिंग फास्ट है, दो दो तीन तीन साल से फाइलें मूव करती रहती हैं अप्रूवल्स के लिए। कोई बंदा रखना हो, कोई नई पोजिशन क्रिएट करनी हो, क्योंकि मिसाल के तौर पे बैंकिंग सेक्टर में एक अपॉर्चुनिटी निकली है कि जी इस्लामिक फाइनेंसिंग बहुत फेमस हो रही है, तो किसी पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन के लिए ऐसे एक्सपर्ट्स हायर करना ही इतना मुश्किल और लंबा काम हो जाएगा कि उतनी देर में जो है ना वो प्राइवेट सेक्टर की 10 कंपनियां जो हैं वो कहाँ की कहाँ उस मार्केट को कैप्चर कर चुकी होंगी। तो पब्लिक सेक्टर इतना स्लो रिस्पॉन्ड करता है नई मार्केट की अपॉर्चुनिटीज को, तो ये एक दूसरी वजह है। तीसरी वजह ये है कि सर्विस की क्वालिटी। अब अगर मैं एक प्राइवेट सेक्टर का बंदा हूँ और मुझे नज़र आ जाता है कि मेरे क्लाइंट को सर्विस में ये चार चीज़ें चाहिए, मैं तो फटाफट रिस्पॉन्ड करूँगा क्योंकि मुझे उस क्लाइंट से पैसे मिलते हैं और मेरा कारोबार चलता है। गवर्नमेंट का एक ऑफिसर जो है उसकी ट्रेनिंग इस तरीके से नहीं हुई होती, ठीक है, वो अव्वल तो करना चाहे भी तो अगर अपनी सर्विस को चेंज करना चाहे भी, अलाइन करना चाहे भी, तो वो प्रोसेस इतना मुश्किल और लंबा होता है कि, तो ये कुछ बिल्ट इन पब्लिक सेक्टर के अंदर फॉल्ट्स मौजूद हैं, जिसकी वजह से आज आप अगर कोई सख्ती करेंगे, एक टफ एग्जीक्यूटिव ले आएंगे, वो चीज़ों को ठीक करेगा, तो कुछ अर्से बाद जब उसको वो सपोर्ट नहीं मिलेगी या उसको रिमूव करके कोई दूसरा एग्जीक्यूटिव ले आया जाएगा, तो वो चीज़ें वापस, क्योंकि वो काम उसका है ही नहीं, उसके लिए वो बना ही नहीं है पब्लिक सेक्टर के लिए ये अदारे। जो प्राइवेट कमर्शियल एक्टिविटीज हैं वो कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन ही उसको बेहतर और बेहतर तरीके से रिस्पॉन्ड करती है। एचआर को देख लें तो एक प्राइवेट एंटरप्रेन्योर अगर मैं हूँ, मुझे एक खास स्किल की चीफ एग्जीक्यूटिव चाहिए या टेक्निकल
हेड चाहिए किसी मिनट को चलाने के लिए, मैं दुनिया भर में जाऊंगा, अपनी मर्जी का बंदा लेके आऊंगा, उसको ला के यहाँ पे 4 महीने में भर्ती कर दूंगा। गवर्नमेंट के अंदर एक नई पोजीशन क्रिएट करने में 2 साल लग जाएंगे, फिर गवर्नमेंट उसका इश्तिहार देगी, जब इश्तिहार देगी तो वो फिर हर तरफ से लोग आ जाएंगे, फिर वो जस्टिफाई करेगी कि जी ये बंदा ज्यादा क्वालिफाइड क्यों है, वो बंदा कम क्वालिफाइड है, वो पैसे ज्यादा, तो वो कॉस्ट बेस पे और मुख्तलिफ चीजों में करते करते जो बेस्ट कैंडिडेट है वो गवर्नमेंट के लिए सिलेक्ट करना ही बड़ा मुश्किल हो जाएगा। वो अपने कंपेटिटिव प्रोसेस के थ्रू करेगी, प्राइवेट एंटरप्रेन्योर जो है उसको जो बंदा पसंद आएगा वो जाके उसको घर से पकड़ के ला के कहेगा जी यहाँ से कल से तुम काम शुरू कर दो। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं जिसकी वजह से कमर्शियल कामों को अच्छे तरीके से पब्लिक सेक्टर रिस्पॉन्ड ही नहीं कर सकता। इसको दूसरे एंगल पे भी देख लेते हैं, जहां जहां पे अक्सर जगहों पे जहां पे पब्लिक सेक्टर की ऑर्गेनाइजेशन अच्छा परफॉर्म, एक कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन जिसकी ओनरशिप पब्लिक सेक्टर के पास है वो अच्छा परफॉर्म कर रही है, तो उसका नुकसान ही होता है कि उस एरिया में प्राइवेट सेक्टर ग्रो ही नहीं कर सकता। वो कहते हैं यार हम तो पब्लिक सेक्टर ने तो मुफ्त में सारा कुछ कर देना है, हम उनसे कम्पीट कैसे करेंगे, हम तो मुफ्त में सब कुछ नहीं करके दे सकते। ठीक है, तो वो इस वजह से वहां पे जहां पे एक तरफ जो पब्लिक के पैसे हैं, पब्लिक का टाइम है, वो वेस्ट होता है, लॉस मेकिंग होती है, दूसरी तरफ प्राइवेट सेक्टर उस जगह पे अवॉइड करना शुरू कर देता है कि यार हम तो उतने सस्ते में काम नहीं कर सकते, मिसाल के तौर पे स्टील इतनी सस्ती नहीं बना सकेंगे, गवर्नमेंट ने तो वो अपनी कॉस्ट जो है वो सारी की सारी कस्टमर से रिकवर नहीं करनी है, वो तो अपने पैसों पे भी, टैक्स पेयर के पैसों पे भी अदारा चलाती रहेगी, बेशक वो 58 बिलियन ही क्यों ना हो। मैं समझ गया, देखें आपने जैसे ये एग्जांपल क्रिएट किया है फेयर इनफ, ये तो सीधी सीधी जो भी प्राइवेट सेक्टर का बंदा है वो अपनी प्रॉफिट को देखता है, लेकिन गवर्नमेंट का फिर रोल बन जाता है कि गवर्नमेंट ने तो लोगों के लिए फैसिलिटी पैदा करनी है ना। अगर कल अभी जो आपने बात किया है कि प्राइवेट सेक्टर में आपने किसी को भी उठा के एक मिनट में फारग कर देना है, ठीक है कि जी ठीक है मुझे आपकी जरूरत नहीं है, यू गॉन नाउ, और जब गवर्नमेंट में होगा तो उसको टाइम लगेगा, लेकिन उसकी किसी की जॉब की सिक्योरिटी से फॉर एग्जांपल वो भी तो एक तरह से गवर्नमेंट का काम बन जाता है ना। अब उसमें जो आपकी सारी डिस्कशन में एक बात मुझे समझ में आई है वो यही समझ में आई है कि अभी जिस हालात में पाकिस्तान है उसमें आप प्राइवेट सेक्टर को इनकर्ज करेंगे, डिस्कर्ज नहीं करेंगे, क्योंकि वही बेटर तरीके से रन कर सकते हैं। हाँ, आपको ये जरूर करना है कि आपको इस तरह की लेजिस्लेशन लानी है, इस तरह के मेजर्स करने हैं, इस तरह के चेकअप रखने हैं कि कोई भी बंदा जरूरत से ज्यादा प्रॉफिट ना कमाए। ये नहीं हो सकता कि एक बंदा हजारों पाउंड प्रॉफिट कमाए और जब उसकी फैक्ट्री में जो लोग बैठे हुए उनके घर में खाने के लिए पैसे भी ना हो, तो वो उसको ऐसे कहते हैं बैलेंसिंग। जब तक आप नहीं करेंगे तब तक आप अपने मुल्क की गुर्बत दूर नहीं कर सकते। आपको अच्छी तरह अंदाजा है कि अभी भी फिगर निकल के आ रहे हैं कि पाकिस्तान में बहुत सारे लोग 25 करोड़ के करीब लोग से हैं, सॉरी 25 करोड़ तो खैर पूरे पाकिस्तान की आबादी हो जाएगी, एक बिग नंबर 10-12 करोड़ लोग जो उनसे हैं वो डे टू डे अर्निंग करके करते हैं। अब मुझे एग्जैक्ट फिगर नहीं पता, सो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को ये मेजर लेने पड़ेंगे, और अगर गवर्नमेंट ये मेजर नहीं लेगी तो गवर्नमेंट को यानी अपने लोगों को या जो जिस लोगों ने उनको वोट दिया है या जितनी भी गवर्नमेंट है, यहाँ मैं ब्रिटिश यूके की बात करता हूँ कि हमारे यहाँ पे मैं खुल के बात करता हूँ, आप मुझे पता आप पॉलिटिकल बात करने वाले बंदे, मैं खुल के बात करता हूँ अपने एंड पे कि यहाँ पे एक टोरी पार्टी है और एक लेबर पार्टी है। अच्छा, टोरी जो सी है वो बिजनेस ओरिएंटेड पार्टी है और लेबर जो सी है वो वर्कर ओरिएंटेड पार्टी है, और ये जब भी हुआ है कि जितना देर तक टोरी पावर में रही है लोगों की वेजेस इतनी ज्यादा नहीं बढ़ी, लेकिन जब भी लेबर पार्टी आई है तो लोगों की वेजेस बढ़ी है, और ये नहीं हुआ कि मुल्क को नुकसान हो गया, सिर्फ ये हुआ है कि जो बड़ा बड़ा बिजनेसमैन था, जो बड़ा बड़ा मल्टीनेशनल था, उनको थोड़े से ज्यादा पैसे अपने वर्कर्स को देने पड़े हैं, उनको उनको हॉलीडेज भी देने पड़ते हैं। गवर्नमेंट जो है
क्योंकि क्रॉस चेक है ना, लेबर उसके ऊपर शोर मचाती है कि भी आप जो है वर्कर की तनख्वाह जो है वो मिनिमम अभी आजकल नॉर्मल वर्कर की तनख्वाह £8.20 है पर आवर, जो £8.20 इज वेरी डिसेंट अमाउंट। और जब मैं इस मुल्क में आया था तो मुझे याद था कि लोग 2 घंटे में भी काम कर लेते थे, ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट ने इस तरीके से सख्ती की है कि आज टोरी गवर्नमेंट को भी ये करना पड़ता है, लेकिन उन्होंने सिस्टम इंटैक रखे हैं। तो कहने का मतलब है कि कोई भी गवर्नमेंट अगर है, अगर वो अपने लोगों की लुक आफ्टर करती है, तो उसको कहीं ना कहीं मेजर्स लेने पड़ेंगे जो वो ले, मुझे तो लग रहा है कि इस वक्त ले रही है कि जितने भी कार्टल्स हैं, जैसे आप कार्टल्स की बात कर रहे हैं, उन्होंने एक्चुअली क्योंकि उनके पास कंट्रोल थे, उन्होंने एक बिजनेसमैन की मेंटालिटी होती है कि अगर मैं 50 कमा रहा हूं तो मैं 200 क्यों नहीं कमा सकता, क्योंकि वहां पे गवर्नमेंटें नहीं बैठी हुई थी जो उसको कंट्रोल करती, जो उनको मॉनिटर करती, जिसकी वजह से लोगों ने अरबों रुपया बना लिया। सो इन रियलिटी वो गवर्नमेंटों की फेलिंग थी, पिछली गवर्नमेंटों की फेलिंग थी, उन्होंने बंदे ही ऐसे लगाए जो उनसे सवाल ना करे, बहुत सारी चीजें हैं। मैं थोड़ा सा आपकी बात को अगेन रीफ्रेस करने की कोशिश करता हूँ ऑन टेक्निकल पे। देखिए, किसी भी चीज को रेगुलेट करना ये एक गवर्नमेंट का फंक्शन है, ये हमेशा गवर्नमेंट ने ही इसको परफॉर्म करना है। बेशक वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन जो है ये कभी भी गवर्नमेंट को इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता, कोई भी बिजनेस आए फेयर तरीके से अगर वो अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सके तो उसका हक है, उसको करना चाहिए। लेकिन अगर अनफेयर तरीके से कार्टल्स बना के वो प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना चाहे तो गवर्नमेंट उन कार्टल्स को खत्म करने में उस पर्टिकुलर लाइन ऑफ बिजनेस को कंपेटिटिव बनाने में फिर अपना रोल प्ले करती है। उसके बहुत सारे तरीकेकार मौजूद हैं। जो हमारी लेबर फोर्स है उनकी उनको जॉब प्रोवाइड करना गवर्नमेंट का काम नहीं है। हाँ, प्राइवेट सेक्टर जब ऑपरेट करे उसको एक ऐसी एनवायरनमेंट देना कि उस एनवायरनमेंट में प्राइवेट सेक्टर तरक्की करे, तरक्की करके फले फूले, उसमें कंपटीशन बढ़े। अगर 2 फैक्ट्रियां लगी हैं तो 12 फैक्ट्रियां लगी होनी चाहिए जिससे जॉब ऑटोमेटिकली क्रिएट हो, और वो ऐसी जॉब ना हो जैसे पाकिस्तान स्टील मिल में है कि आप गवर्नमेंट ही पैसे दे दे के लोगों को पाल रही है। वो ऐसी जॉब हो कि वो कंपनियां अपने प्रॉफिट से लोगों को जॉब दे रही। तो इस किस्म की एनवायरनमेंट को क्रिएट करना, रेगुलेट करना, अनेबल करना, ये भी गवर्नमेंट का रोल है। एक स्टेप में और भी ऐड करता हूँ, आपने वो बेसिक वेजेस की बात की कि वो बिल्कुल वो लेजिस्लेट करके एक बेस लेवल जो है वेज का डिटरमिन करना, उसको ऊपर लिंक करना, वो भी गवर्नमेंट का रोल है। लेकिन साथ ही साथ आपके मुल्क में जो एक बहुत अच्छी चीज़ है जो अभी पाकिस्तान उस तरीके से उसको नहीं कर सक रहा, कोशिश थोड़ी सी इन्होंने की है कि एक सेफ्टी नेट बनाना कि अगर कोई किसी वजह से, किसी रिसेशन की वजह से, किसी आउटब्रेक की वजह से अगर किसी बंदे की नौकरी उसके हाथ से चली जाती है, वो कोई भी बंदा, वो प्राइवेट सेक्टर में काम करता हो, पब्लिक सेक्टर में काम करता हो, वो अगर उसकी नौकरी चली जाती है और आपके मुल्क का शहरी है तो एक सेफ्टी नेट के तौर पर उसको बुनियादी सर्विसेज, बुनियादी सपोर्ट मिलती रहे, हेल्थ, एजुकेशन और थोड़े बहुत अपना खर्चा खुर्चा चलाने के, इसको सेफ्टी नेट कहते हैं। तो ये वो सारी चीजें हैं जो गवर्नमेंट को करनी चाहिए हैं। सेफ्टी नेट्स बनाना, रेगुलेट करना कि कार्टल्स ना बन सके, कंपटीशन रहे और बढ़ता रहे, ये चीज शोर करना, और वो प्रॉफिट को कैप करना मकसद नहीं है वहां पे। मकसद ये कि कंपटीशन इतना बढ़ जाए कि लोग आपस में कंपीट करने की वजह से अपने आप को ज्यादा प्रॉफिट को कम अगर करते हैं तो करें, या इनोवेट करें अगर प्रॉफिट बढ़ाना है या ज्यादा मार्जिन चार्ज करने है, तो कोई ऐसी इनोवेटिव प्रोडक्ट ले आए कि जो आपको कंपटीशन नहीं दे सक रहा, तो ठीक है जो लोग पे कर सकते हैं वो पे करें। सो गवर्नमेंट का काम प्रॉफिट को कैप करना नहीं है, कंपटीशन को बढ़ाना है। कंपटीशन कमीशन का ये काम होना चाहिए, कार्टलाइजेशन को तोड़ना, कंपटीशन को बढ़ाना, लेबर को और उसको ऐसे मौके प्रोवाइड करना कि वो प्राइवेट सेक्टर में जाके जॉब्स हासिल कर सके, और अगर वो जॉब से फारिग हो जाते हैं तो उनको एक सेफ्टी नेट देना। तो वो बहुत सारी चीजें जो हमने गलत कर दी कि जहाँ पे हमने पाकिस्तान स्टील मिल जैसे अदारों में जो है वो 400 बिलियन डुबो दिए या 58 बिलियन का पैकेज दे दिया, वो पैकेज अगर हम निकाल के एक सेफ्टी नेट बना देते कि पाकिस्तान में जो भी बंदा बेरोजगार होगा उसको इस फंड में से इतने पैसे मिल जाए करेंगे,
या उसको हम एक स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग देंगे कि वो अपना कारोबार शुरू कर सके, ठीक है। तो ये उसी फंड का बेहतर इस्तेमाल था। वो जो 140 फैक्ट्रियां या 140 फाउंड्रीज आज पाकिस्तान में चल रही हैं, जो कि स्टील मिल के मुकाबले में शायद बहुत सारे लोगों को आज उन्होंने एम्प्लॉयमेंट दी होगी, और वो एम्प्लॉयमेंट जो है वो आवाम के पैसे पे या टैक्स पेयर के पैसे पे नहीं दी गई, वो कंपनियां प्रॉफिट बना रही हैं, कंपीट कर रही हैं, कारोबार कर रही हैं, और उस कारोबार से वो जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रही है उसका बेनिफिट जो है वो नीचे आम पॉपुलेशन तक ट्रांसफर हो रहा है। तो ये मैं अगर इनको इस तरीके से कर सकूं कि रेगुलेट करना, सेफ्टी नेट्स बनाना, कॉम्पिटिशन को प्रमोट करना, इनेबलिंग एनवायरमेंट बनाना, ये चार पांच चीज़ें जो है ये गवर्नमेंट का काम है। लेकिन कारोबार करना, प्रोडक्शन करना और इवन एम्प्लॉयमेंट देना, ये वो काम है जो कि प्राइवेट सेक्टर करता है और गवर्नमेंट इसको सपोर्ट करती है। बिल्कुल सही। अच्छा, जो आपने बाबा साहब बात की ना, बिल्कुल ऐसे ही है। जो मुझे समझ आ रही है कि इनिशियली जो पाकिस्तान का मॉडल बनता है वो यही बनता है कि लगता भी है जैसे गवर्नमेंट इस वक्त बहुत सारे ओवरसीज लोगों को अट्रैक्ट करे कि आप लोग आए इन्वेस्टमेंट करें जिसमें प्रॉफिटेबिलिटी भी अच्छी होगी और गवर्नमेंट वन विंडो ऑपरेशन भी देगी। सो बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है और असली तौर पे ऐसा ही होना चाहिए इन अ वे। लेकिन क्योंकि आपकी गुफ्तगू से ऑफ स्टूडियो हम अक्सर बात करते हैं, पाकिस्तान एक कन्फ्यूजन में चल रहा है। कभी लोग सोशलिज्म के पीछे लग जाते हैं, कभी लोग कैपिटलिज्म के पीछे लग जाते हैं, कभी, जबकि हम देख ही नहीं रहे कि हमारा जो मुल्क है शायद वो, यहाँ ना हमारी गवर्नमेंट प्रिपेयर है कि जी सारी चीजें अगर नेशनलाइज कर ली तो वो मुल्क को चला लेंगी, ना ही हमारे लोगों का कोई माइंडसेट ऐसा है कि वो आके कुछ चीजें कर सकेंगे। सो इनिशियली होना ये चाहिए कि जितने भी लोग हैं जो पाकिस्तान में हैं, स्पेशली आज की गवर्नमेंट, लोगों को स्किल दे और इस तरह की लेजिस्लेशन करे जिसमें से कार्टल्स जो उनसे हैं वो हमारे लोगों को ना लूट सके, और जो भी पीछे आज तक लूट के गए हैं, जैसे अभी आप कह रहे हैं कि स्टील मिल की हम बात कर रहे थे, हम लाइफ स्टॉक की तरफ आएंगे क्योंकि हमारा असल सब्जेक्ट तो वही था, हमारा सारा टाइम इस पे निकल गया। सो स्टील मिल इनिशियली तौर पे आपकी नजर में इसको प्राइवेटाइज करना ही हमारे मुल्क के लिए बेटर है ना कि इसको प्राइवेटाइज ना करना। और मैं ये समझ रहा हूँ कि गवर्नमेंट अगर स्पेशली जी जितने भी लोग स्टील मिल में काम करते हैं, अगर गवर्नमेंट उनको यानी 3 साल की तनख्वाह भी दे रही है तो ये मैं समझता हूँ ये कभी पाकिस्तान की हिस्ट्री में ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोई भी गवर्नमेंट एजेंसी है इस तरह के बेल आउट देती हो। और ये मैं खैर में इसलिए वो दे रहे हैं कि हमारे जितने भी लोग हैं कम से कम आगे अपनी जिंदगी में आसान करें। ये मुझे लगता है कि एहसास प्रोग्राम, ये COVID-19 के बाद जिस तरीके से इस गवर्नमेंट ने लोगों को पैसे बांटे हैं वो एक बड़े पॉजिटिव चीज़ें हैं। निचले मुझे तो ऐसे ही लगता है कि एक सही तरफ कदम है, सिर्फ उनको चाहिए कि प्रोफेशनल लोगों को इन्वॉल्व करें, प्रोफेशनल वे ऑफ रनिंग वर्क करें। पाकिस्तान में बड़े बड़े अच्छे लोग बैठे हुए हैं, अगर एक मॉडल ऐसा क्रिएट किया जाए जिसमें प्रोफेशनल ब्यूरोक्रेट्स और गवर्नमेंट अपनी एक गाइडलाइन देती है, पूरी विल अगर लेके चलेंगे तो बिल्कुल ये आगे जाएगा। एक्चुअली हमारा प्रोग्राम लाइव स्टॉक पर था तो हमने स्टील मिल पर बड़ी लंबी बात कर ली। आपने अच्छा किया, आपने हमारे व्यूज के सामने एक पिक्चर बताई है कि जी हमारे मुल्क को कैसे चलाना चाहिए, और मैं बिल्कुल आपसे एग्री करता हूँ। और नजर में भी यही आता है कि इस वक्त हमारी जितनी भी गवर्नमेंट है वो प्राइवेट स्ट्रक्चर को, सेक्टर को या ओवरसीज लोगों को एक्चुअली क्या नाम लेते हैं, इनकरेज कर रही है। हाँ, वो ये जरूर कह रही है कि अगर आप पैसे कमा रहे हैं तो आपका टैक्स देना भी बनता है आपको, सारी चीजों को, जिसके हमारे जो प्राइवेट सेक्टर के लोग हैं वो यूज टू नहीं है। तो उनको भी चाहिए कि भी गवर्नमेंट अगर आपको फैसिलिटी दे रही है तो आप जरा थोड़ी सी प्रॉफिटेबिलिटी को एक इस एंगल से देखें कि आप किसी और के कंधों पे पांव रख के अपनी फैक्ट्रियां चलाएं, अपने पैसे बनाएं, और जो आपका मजदूर है उसके घर में खाने के लिए पैसे ना हो तो ये भी ठीक नहीं है। तो ये इस तरह की बात है। बर
हम चाहेंगे कि आखिरी जो 10-15 मिनट हैं थोड़ा सा हम, क्योंकि हमारा प्रोग्राम इनिशियली लाइव स्टॉक पे चल रहा था, तो थोड़ा सा हम अपने सब्जेक्ट पे वापस आ जाते हैं। सेल मिल पे आपने भी बात कर ली, मैंने भी कर ली, और मेरे ख्याल में हमारे व्यूअर्स के लिए सामने भी थोड़ी सी पिक्चर क्लियर हो गई। और अगर कोई पीपल्स पार्टी का बंदा देख रहा है, क्योंकि वो पीपल्स पार्टी का है, तो ये समझ के कि भी नहीं, हमने कहना ही कहना है कि जी गवर्नमेंट गलत कर रही है, जबकि मेरी नजर में गवर्नमेंट ठीक कर रही है। सो हम आ जाते हैं लाइव स्टॉक के ऊपर थोड़ा सा, क्योंकि हम मीट सेक्शन पे थे, अब हम थोड़ा सा मिल्किंग की तरफ अगर आ जाए तो आप अपनी बात को इस पर कैरी ऑन करें। जी सर, जी जी बिल्कुल, थैंक यू। ऑब्वियसली जितनी चीजें अब तक हमने बात की, ये तो किसी बड़े इन्वेस्टर के लिए है। ये स्टील मिल तो एक आम इन्वेस्टर खरीद नहीं सकता। इसी तरह पाकिस्तान पीटीसीएल जब प्राइवेटाइज हुई तो अबू धाबी की एक बहुत बड़ी कंपनी जो है उसने आके वो खरीदी। हमारी के इलेक्ट्रिक जो है वो एक बहुत बड़ी जो दुबई की यूएई की पार्टी है उसने आके खरीदी। तो ये तो वो चीज़ें हैं जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स के लिए हैं। हमारे जो रेगुलर इन्वेस्टर हैं, जो हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, उनके लिए गालबन जो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो आप बिल्कुल ठीक, आपकी पॉइंट है कि वो इन बड़े बड़े चीज़ों की प्राइवेटाइजेशन में नहीं है, वो सिंपल बिजनेस रिलेटिवली स्मॉल एंड मीडियम साइज बिजनेस के अंदर है, जिसपे हमने मीट पे तो बहरहाल बात की। मिल्क पे जो सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी मौजूद है वो ये है कि पाकिस्तान में इस वक्त तकरीबन मिल्क की शॉर्टेज है, और पिछले बहुत सारे सालों से हम ड्राइड मिल्क की शक्ल में मिल्क इम्पोर्ट करते हैं ताकि हम अपनी लोकल डोमेस्टिक डिमांड को पूरा कर सकें। ट्रेंड उसका डिक्लाइनिंग है हमारी इम्पोर्ट का, और उसकी वजह ऑब्वियस है कि आहिस्ता आहिस्ता लोग पाकिस्तान में मिल्क जो है उसकी प्रोडक्शन बढ़ती जा रही है, लेकिन बहरहाल पाकिस्तान में जो हमारी ज़रूरत है उससे कम मिल्क प्रोड्यूस हो रहा है। पिछले साल 2018 के अंदर तकरीबन हमने कोई 110-120 मिलियन डॉलर का ड्राइड मिल्क इम्पोर्ट किया था अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए, और उसके बाद जो 2019 का साल है उसमें वो कम होकर सिर्फ 90 मिलियन तक रह गया। तो नज़र ये आ रहा है कि आहिस्ता आहिस्ता हमारे मुल्क में मिल्क की प्रोडक्शन बढ़ रही है, और ड्राइड मिल्क की जो इम्पोर्ट है वो उसी हिसाब से आहिस्ता आहिस्ता कम होती जा रही है। हमारे मुल्क में जो मिल्क की अंदर जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो ये है कि छोटा फार्मर, एक भैंस, दो भैंस, एक गाय, दो गाय वाला जो है वो अपने जानवर को अच्छे तरीके से नहीं पाल सकता, जिसकी वजह से उसको बहुत थोड़ी प्रोडक्शन जो है ना वो डेली बेसिस पे एवरेज मिलती है। उसके मुकाबले में जो अब आके लेटली जो कमर्शियल फार्मर्स हैं वो पाकिस्तान में एंटर होने शुरू हो गए हैं, 50 जानवर वाले, 250 जानवर वाले, 2500 जानवर वाले, जो उनमें से कुछ जो है वो हमारी लोकल ब्रीड के साथ ही काम कर रहे हैं, जिसमें साहिवाल ब्रीड अच्छा परफॉर्म करती है अगर उस पर अच्छी देखभाल की जाए इन द काउस। नीली रावी ब्रीड जो है वो भैंसों में है जो अच्छा परफॉर्म करती है अगर उसको अच्छे तरीके से अच्छे एनवायरमेंट में अच्छी फीड के साथ रखा जाए। लेकिन जो बहुत सारी उसमें लोगों की तादाद है वो इंटरनेशनल ब्रीड के साथ काम कर रही है। इसमें जो बहुत मशहूर 3-4 ब्रीड्स हैं वो होलिस्टीन है, फ्रेजियन है, जर्जी है। ये वो ब्रीड्स हैं जो बहुत अच्छा खासा दूध देती हैं, मतलब 20-25 लीटर तक। ये पाकिस्तान में, पाकिस्तान की एनवायरनमेंट में ये हैं और इनको कोई कॉम्प्लिकेशन एनवायरनमेंट कंपैरेटिवली गर्म? ये अनफॉर्चुनेटली जी ये इसी यही वजह है कि छोटा फार्मर इस फार्मिंग को नहीं कर सकता। इन पर्टिकुलर एनिमल्स को रखने के लिए जो इम्पोर्टेड हमारी ब्रीड्स हैं, जो 3-4 मैंने जिनके आपको नाम दिए, या तो उनकी क्रॉस ब्रीडिंग की जाती है हमारे लोकल एनिमल के साथ, जिससे इस इनमें एक इम्यूनिटी जो है लोकल इन्वायरमेंट के हवाले से बढ़ जाती है, लेकिन कई दफ़ा प्रोडक्टिविटी जो है वो खातिर खा ड्रॉप हो जाती है। इन जानवरों को रखने के लिए जो है प्रॉपर एक अच्छी इन्वायरमेंट का एक फार्म बनाना पड़ता है, प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ इन्वायरमेंट को काफ़ी हद तक कंट्रोल किया जाता है। इनको ख़ास किस्म की न्यूट्रिशन फीड दी जाती है, ख़ास किस्म की वैक्सीन लगाई जाती हैं, गर्मियों में बाकायदा तौर पे फॉगस लगे होते हैं जिसकी वजह से उनका जो टेम्परेचर है उस पूरे शेड का उसको ठंडा किया जाता है, जिस ताकि ये बहुत ज़्यादा गर्मी है कि ये जो स्पेशली आप बाहर से ब्रीड मंगवा रहे हैं
उसके आप उसके लिए एक इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं ताकि वो गर्मी को, जो पाकिस्तान में गर्मी बहुत ज्यादा बर्दाश्त कर सके, और वो बड़ी कामयाबी से चल रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है, इसमें इन्वेस्टमेंट की बहुत ज्यादा गुंजाइश है क्योंकि बहुत बहुत थोड़े फार्म अभी इस तरह के लगे हैं। ये इसी तरह ही है कि आज से 20-25 साल पहले पोल्ट्री इंडस्ट्री जो थी वो देहातों में औरतें 10-15-20 देसी मुर्गियां, हमारी जो लोकल ब्रीड्स हैं, जो आम एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर जाती हैं, उनसे काम लेती थी और उनकी प्रोडक्टिविटी बड़ी कम होती थी। लेकिन जब एनवायरनमेंट कंट्रोल शेड लगने शुरू हुए और इंपोर्टेड ब्रीड ला के, जो कि बड़ी जल्दी अच्छा परफॉर्म करती है, उसको एनवायरनमेंट कंट्रोल शेड्स में ला के रखा गया, तो एकदम हमारी इंडस्ट्री जो है उसने बहुत तरक्की की और उसमें बहुत सारी इन्वेस्टमेंट आई जो कि 20 सालों में करते करते एक खास जगह पे आपको पहुंच चुकी है। आप क्या समझते हैं कि सेक्टर के अंदर, सॉरी आपको बात काट रहा हूं, मेरा सवाल यह है, मैं इससे सलाह के व्यूअर्स के इंटरेस्ट को और मेरे इंटरेस्ट के लिए, तो इस वक्त पाकिस्तान में बाय से ब्रीड जो है वो बहुत बड़ी तादाद में जारी है, लोग उस पर काम कर रहे हैं और आप ये कह रहे हैं कि इट्स क्वाइट प्रॉफिटेबल, और उसके लिए वैसे स्टैंडर्ड आप, और मुझे नहीं पता आपको पूरी उसकी टोटल डिटेल पता है कि नहीं, कि कितनी, अगर से फॉर एग्जांपल कोई बंदा 50 भैंसों से काम करना चाहता है तो उसके उसके उसको कितनी बड़ी जगह चाहिए, कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए, अगर कोई रफ आइडिया हो आपको। जी इन्वेस्टमेंट के बारे में तो मेरे पास ऑफ द कफ ये कैलकुलेशन मौजूद नहीं है, लेकिन ये जानवर महंगे होते हैं, 2.5 से 3 लाख रुपए का एक जानवर मिलता है। फिर उसके अलावा जो इंफ्रास्ट्रक्चर आपने बनाना होता है, ऑब्वियसली उस पर भी एक इन्वेस्टमेंट जो है वो एक आम फार्मर के मुकाबले में ज्यादा होती है, लेकिन ये बहुत प्रॉफिटेबल वेंचर्स हैं। यानी कि आप अगर पैसे लगाते भी हैं तो आपको उसकी रिटर्न इतनी अच्छी मिलती है कि इट्स वर्थ इट टू डू दैट। एंड और नॉट ओनली दैट, इसका एक इकोनॉमिक मॉडल जो है वो इस तरीके का है कि बड़े छोटे पैमाने से भी काम शुरू किया जा सकता है, मतलब 50 काउस के साथ शुरू किया जा सकता है एक छोटा शेड बना के, और बहुत बड़े पैमाने पे भी लेके जा सकता है, आप 2,500 रख ले, 5,000 काउस रख ले। आपकी बात कटते 10 भैंसों से भी हो सकता है, लोग करोड़ों रुपया कमा सकते हैं। ये मैं थोड़ा सा सियासी सवाल कर रहा हूँ क्योंकि हमारे जो एक्स चीफ मिनिस्टर हैं उनके पास उनकी 10 भैंसों ने करोड़ों रुपया कमाया, वो उनकी एक्सप्लेनेशन भी ऐसी है। पर मैं लेट्स नॉट गो देयर क्योंकि आप बिल्कुल पॉलिटिकल नहीं है। सो जी हाँ, फिर सॉरी, तो आप थोड़ी भैंसों से भी काम शुरू कर सकते हैं। सो माय पॉइंट इज कि इसका जो इकोनॉमिक मॉडल है वो ये नहीं है कि आपको जो है ना 2,000-5,000 जानवर का ही एक फार्म बनाना है तो वो इकोनॉमिकली वायबल होगा, ये छोटे पैमाने से भी शुरू किया जा सकता है। ऑब्वियसली ये कॉटेज लेवल पे नहीं हो सकता ये काम, ये 2-4-5 भैंसों का काम नहीं है, इसको कम अज कम स्मॉल मीडियम लेवल पे आपको ऑपरेट करना पड़ेगा, तभी वो इंफ्रास्ट्रक्चर और वो एक्सपेंसेस जो हैं वो इतनी आपको प्रॉफिट देंगे कि आप एक रीजनेबल इनकम उससे जनरेट कर सकेंगे। तो ये एक 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 सेक्टर है जिसमें जब अच्छा एक मैं आपको करेक्शन करता हूँ, बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही, बहुत ज्यादा जानवर नहीं आ रहे और क्योंकि लोगों को इस बारे में अभी अवेयरनेस नहीं है, लेकिन एक ट्रेंड नजर आ रहा है कि ये इसकी वक्त के साथ आहिस्ता आहिस्ता कुछ अच्छे साइजेबल इन्वेस्टर्स इसमें आ चुके हैं और आने वाले वक्त के साथ आहिस्ता आहिस्ता ये इन्वेस्टर्स की तादाद बढ़ती जा रही है, और यही वजह है कि हर साल हमारी जो इम्पोर्टेड ड्राइड मिल्क है उसकी इम्पोर्ट जो है वो 10-15 मिलियन कम हो जाती है। यही वो लोग हैं, यही वो इन्वेस्टर्स हैं कि जो आके उस गैप को जो है वो फिल करते जा रहे हैं। और आपकी बात सही है कि अभी उसमें बड़ी गुंजाइश है, बहुत और अच्छा प्रॉफिटेबल है। और अभी आपने एक बात की व्हाइल ही वाज टॉकिंग टू मी कि आप जितने भी फार्मर्स जो बाहर से मतलब काउज ला रहे हैं या जानवर ला रहे हैं तो क्रॉस ब्रीडिंग आपने अभी जिक्र किया, क्रॉस ब्रीडिंग से भी कोई अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं कि उनकी भी इम्यूनिटी बन जाएगी और वो भी इसी तरह मिल्किंग देंगे या वो वैसे ही जो हमारी पुरानी भैंसों वाला हिसाब है? देखिए फ्रेंकली स्पीकिंग बहुत सारा इसका जो 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 जिस पे इसका इनसार होता है वो जानवर की केयर और उसको किस तरीके से आप उसको लेके चलते हैं, इस पे प्रोडक्टिविटी का बहुत ज़्यादा असर आता है। मैं हमारी जो साहिवाली नस्ल की के ब्रीडर्स हैं जो प्रॉपर ब्रीडिंग कर रहे हैं उसकी और उसकी प्रोग्नी टेस्टिंग कर रहे हैं और अच्छे तरीके
से उनकी जो है ना ब्रीड को डेवलप कर रहे हैं। इसी तरह हमारे जो नीली रावी के ऑर्गेनाइज ब्रीडर्स हैं उनसे जब मेरी मुलाकातें हुई तो वो लोग भी जो अपनी प्रोडक्ट जो अपनी सबसे बेस्ट ब्रीड की भैंसें हैं या जो अपनी सबसे बेस्ट ब्रीड की गायें हैं उनकी जो प्रोडक्शन बताते हैं तो वो भी गालबन उसी लेवल पे ही आ जाती है जिस लेवल पे ये जो इंटरनेशनल ब्रीड्स हैं। अच्छा। तो जो एक ये आपकी लोकल ब्रीड है, ये आपकी लोकल ब्रीड है, बिल्कुल लोकल। तो अगर अच्छी ब्रीड अगर एक प्रोग्नी टेस्टिंग होता ये है कि आप आइसोलेट करते जाते हैं उन एक अच्छी पेडिग्री लेके फिर उसके जो बच्चे आते हैं उनकी प्रोडक्शन को देखते हुए जो कमजोर है उनको अलहदा करते जाते हैं और जो ताकि जो अच्छी प्रोडक्शन वाले बच्चे हैं उनको अलहदा करके आगे उनकी नस्ल चलाते हैं। तो इस तरीके से आहिस्ता 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 आपकी जो प्रोडक्शन है वो आगे बेहतर से बेहतर होती जाती है। तो जो जो अच्छे ब्रीडर्स हैं जो अच्छे ऑर्गेनाइज ब्रीडर हैं हमारी लोकल नस्लों के वो भी उन लोगों का कहना ये है कि जब अच्छी एनवायरनमेंट के साथ अच्छी फीड के साथ अच्छी वैक्सीनेशन के साथ हमारी लोकल ब्रीड्स पे को भी जब किया जाता है तो वो भी अच्छा खासी प्रोडक्टिविटी देती है। तो बिल्कुल आपने जो सवाल कहा कि जब उसको क्रॉस किया जाता है तो वो एक एक, एक बेहतरी जो है वो उसकी वजह से भी आती है। तो मेरा पॉइंट यहाँ पे ये है कि ये बहुत सारे फार्मर्स अभी भी यहाँ पे पाकिस्तान में ऐसे हैं हो सकता है कि वो इम्पोर्टेड ब्रीड्स में ना इंटरेस्टेड हो और वो लोकल ही जो हमारी ब्रीड्स हैं उनकी जो एक अच्छे जो ब्रीडर्स हैं उनसे खरीद के तो वो लोकल फार्म ब्रीड के कोई करें और उसमें जो इंफ्रास्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट है या जो वैक्सीन की रिक्वायरमेंट है जो महंगे चीज़ों की रिक्वायरमेंट है वो किसी हद तक कम हो जाएगी। हो सकता है कि थोड़ा बहुत प्रोडक्टिविटी कुछ ब्रीडर का फर्क आ जाए लेकिन ये है कि वो भी एक अच्छा इकोनॉमिक मॉडल। आप जो बात कह रहे हैं जस्ट फॉर द व्यूअर्स पॉइंट ऑफ व्यू कि पाकिस्तान में दो ऐसी ब्रीड हैं एक साहीवाल की और वो जो दूसरी आप क्या कह रहे हैं नीली, मल्टीपल ब्रीड ऐसी है लेकिन साहीवाल ब्रीड जो पंजाब में ज्यादा अच्छी परफॉर्म कर रही है और भैंसों में नीली रावी। नीली रावी, अच्छा ये दो ब्रीड ऐसी हैं इनकी मिल्क प्रोडक्शन भी उतनी ही तगड़ी है जितनी जो ओवरसीज है उनके करीब करीब है, कोई थोड़ा सा अंदाजा है आपको? जी उनके करीब करीब पहुंच जाती है अगर उनको प्रॉपर एक तो ये कि अच्छी अच्छे ब्रीडर से लिया जाए एक अच्छे रिलायबल ब्रीडर से लिया जाए जिसका अपना एक प्रॉपर टेस्टिंग का प्रोग्राम चल रहा है उसके तहत ब्रीडिंग कर रहा है और दूसरा ये कि उनको उसी किस्म की एनवायरमेंट रखी। देखिए गर्मी ज्यादा लगेगी दूध देना कम कर देगा, सर्दी ज्यादा लगेगी दूध पे इफेक्ट आएगा, फीड अच्छी नहीं होगी जानवर भूखा रहेगा दूध पे इफेक्ट आएगा, पानी प्रॉपरली नहीं मिलेगा दूध पे इफेक्ट आएगा। तो वो जब उस एनवायरमेंट में उस मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस में अपने हमारे लोकल जानवरों को भी लेके आया जाता है तो और अच्छे ब्रीडर से लेके उनको लेके आया जाता है तो हमारे अपने लोकल जानवर भी काफी हद तक उसी किस्म की परफॉर्मेंस दे देते हैं थोड़ी बहुत फर्क, क्योंकि ऑब्वियसली जो इंटरनेशनल लोग हैं उन्होंने तो 100-100 सालों से एक प्रॉब्लम टेस्टिंग के काम लेके आगे चल रहे हैं उनकी तो बेहतर से बेहतर रिफाइन हो चुकी हुई है ब्रीड्स। हम उतने अरसे से उनके पास एक एज है लेकिन अगर आप अपनी ब्रीड पे काम करते हैं तो वो भी उतनी ही प्रॉफिटेबल है सिर्फ सेंसिबल वे ऑफ वर्किंग। और जैसे आप कह रहे हैं कि पंजाब गवर्नमेंट इस वक्त वैक्सीन की बात कर रहे थे प्राइवेट करें या ना करें वो खैर दूसरी तरफ बहस चली जाएगी, सो इनिशियली ये है कि गवर्नमेंट उसके ऊपर काम कर रही है वैक्सीन के ऊपर कि ताकि जानवरों में बीमारी ज्यादा ना हो और जानवर ज्यादा प्रोडक्टिव रहे और यानी कि उसमें ग्रोथ हो। तो ये एक बहुत बड़ा एरिया है जिसमें एक अच्छी इन्वेस्टमेंट ओवरसीज पाकिस्तानी लगा सकते हैं और ये बड़ा प्रॉफिटेबल है। अच्छा इसमें अगर आप ना महंगी गाय भी लगाएं छोटे यानी जो एक हमारी जो वहां की लोकल ब्रीड है उसमें भी गुंजाइश है प्रॉफिटेबिलिटी की क्योंकि ये अभी इतनी ज्यादा जरूरत है पाकिस्तान में कि अगर आप बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव पैसे भी ना लगाएं अगर आप थोड़ा भी लगाएं तो आप उसमें से एक रीजनेबल मार्जिन कमा सकते हैं। मैं ये ठीक कह रहा हूँ या इसमें भी मैं कहीं ओवर लो हो गई हूँ? आप ठीक कह रहे हैं, इसको हम इस तरीके से भी कह सकते हैं कि देयर आर मल्टीपल बिजनेस मॉडल्स जो कि अवेलेबल हैं स्टार्टिंग फ्रॉम वेरी हाई टेक हाई इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट हाई कैपिटल कॉस्ट इंपोर्टेड ब्रीड मॉडल, ठीक है, वर्सेस समवेयर इन द मिडल जहाँ पे कोई बहुत लंबा चौड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की जरूरत नहीं है लेकिन अच्छी प्रैक्टिसेस के साथ हम अपनी लोकल ब्रीड से भी बहुत अच्छी प्रोडक्टिविटी लेके एक प्रॉफिटेबल वेंचर चला सकते हैं। और
ऑब्वियसली जो हमारा एक या दो या तीन फार्मर का मॉडल है वो अपनी जगह पे वो भी मौजूद है। तो मल्टीपल मॉडल्स आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो है वो अवेलेबल है। मिल्किंग में सर मैं आपसे एक बात पूछना चाह रहा हूँ कि से फॉर एग्जांपल कोई बंदा इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, तो अगर 50 भैंसों की इन्वेस्टमेंट कर तो उसको उसको कितनी बड़ी जगह चाहिए, कितनी वैसे रफली? बहुत बड़ी जगह नहीं चाहिए, ये कोई शेड, ये कोई इतना बड़ा शेड नहीं होता। तो जानवर देखिए, जानवर की जो मोबिलिटी है वो बहुत ज्यादा, उसको मोबिलिटी की जरूरत नहीं होती मिल्किंग एनिमल को। अगर आप उसको बहुत ज्यादा मोबिलिटी दे दें तो उसका भी इफेक्ट जो है वो नेगेटिव हो सकता है। तो जिस तरह एक इंसान ने घर की एक एनवायरमेंट में रहना होता है, एक बिस्तर में सोना होता है, तो उसको कितनी को जगह चाहिए होती है, इस तरह एक जानवर को भी तो बहुत ज्यादा जगह नहीं चाहिए होती। तो स्पेस, ये कुछ स्पेस के हवाले से कुछ बहुत ज्यादा स्पेस इसमें नहीं चाहिए होती। स्पेस का मसला नहीं है, एग्रीकल्चर को जहाँ पे आपको एकड़ों में जगह चाहिए ये थोड़े एरिया में बनाया जा सकता है। ठीक, बेसिकली सो इज नॉट द बिगर लैंड रिक्वायर्ड, इज द मॉडर्न फार्मिंग रिक्वायर्ड। और कोई जरूरी भी नहीं है, जैसे अमूमन कहा जाता है कि उनको बड़ी खुली जगह चाहिए, वॉकिंग डिस्टेंस चाहिए, वो एक्टिव रहे, वो ऐसी ऐसी भी कोई सिचुएशन नहीं है। बल्कि ज्यादा वॉकिंग जैसे आप बात कर रहे हैं, इन अ वे उसकी प्रोडक्टिविटी में जो सा है ना नुकसान पहुंचाती है। वैसे जस्ट ऑफ इंटरेस्ट, ये जितनी भी आप काउस की बात कर रहे हैं, इनकी कितनी लाइफ कितनी होती है वैसे रफली, कितनी लाइफ होती है एक गाय की? एक्चुअली लाइफ किसी हद तक इम्पोर्टेंट नहीं है, उसकी वजह यह कि इसकी जो प्रोडक्टिव लाइफ है वो इतनी ज्यादा नहीं होती। ठीक है, मतलब एक जानवर जो है वो एक खास एज तक अपनी मैक्सिमम यील्ड देता है, और उस एज से गुजरने के बाद जो है जब उसका चौथा पांचवा छठा ब्रीडिंग साइकिल आता है तो उसकी प्रोडक्टिविटी जो है वो वक्त के साथ ड्रॉप होनी शुरू हो जाती है। ठीक है, वो इशू उसकी जानवर की एज से ज्यादा वो इस चीज का है कि उसकी उसकी प्रोडक्टिव एज कितनी है, और वो बहुत ज्यादा साल नहीं है, मेरे ख्याल से 4-5-6 साल ही अपनी पीक प्रोडक्टिविटी वो देती होगी। और जब उसकी प्रोडक्टिविटी नीचे जानी शुरू हो जाती है तो गालबन ये वायबल हो जाता है कि आप उसकी जगह एक यंग एनिमल को इंडक्ट कर लें और उसको स्लॉटरिंग के लिए ले लें। तो बेसिकली इज द काइंड ऑफ अ प्रोसेस कि वो आप अगर एक जानवर अगर आपको 4 साल दे रहा है तो आपने एक सर्कल बनाया हुआ है, फिर वो जानवर आप बेच देते हैं या वो मीट में इस्तेमाल हो जाता है, और फिर आप उस तरह की भैंसें ले आते हैं, उस तरफ चले जाते हैं ताकि वो, और जैसे आपने कहा कि मीट पूरी दुनिया में रिक्वायरमेंट है, उसके ऊपर हम ज्यादा बात नहीं कर सकते, हमारे घंटे से ऊपर हो गया, लेकिन आप बुल भी ऐसे ग्रो कर सकते हैं जो आप मीट के पर्पज के लिए हो, मेरे ख्याल में इसकी भी कोई ऐसी सिचुएशन है ताकि आप लोगों को मीट सप्लाई कर सकें। हमारी जो खास तौर पे जी साहिवाली नस्ल की गाय है, इस ये मल्टीपर्पज है, इसकी सबसे अच्छी चीज ये है कि ये मीट और मिल्क दोनों के लिए बड़ी अच्छी समझी जाती है। तो बिल्कुल, मतलब ये मैं एक इसमें दो तीन चीजें, क्योंकि आपके प्रोग्राम आई थिंक टाइम भी खत्म हो रहा है, मैं दो तीन चीजें इसमें ऐड कर देता हूँ कि ये सिर्फ उसकी प्रोडक्टिविटी का जो साइकिल है 5-6 साल का, उसमें ये नहीं है कि उसने दूध ही प्रोड्यूस करना है, उसके जो बच्चे आ रहे हैं कल को वो उन्होंने भी मिल्किंग एनिमल्स ही बनना है, तो वो अपनी रिप्लेसमेंट भी आपको जो है अपनी मोर देन अपनी रिप्लेसमेंट भी आपको जो है वो देके वो एनिमल जा रहा होता है। और दूसरी जो पॉइंट है जो इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि इसमें वैल्यू एडेड सेक्टर के अंदर भी उतनी ही बड़ी अपॉर्चुनिटी जो है वो मौजूद है। हमारे साथ इंडिया जो है वो एक्सेसिव प्रोडक्शन करता है और दुनिया भर में उसका बटर चीज ये चीज़ें वो ड्राइड मिल्क एक्सपोर्ट कर रहा है क्योंकि वो अपनी ज़रूरत से ज़्यादा प्रोडक्शन ले रहा है इस वक्त। तो जिस वक्त पाकिस्तान भी एक ऐसी जगह पे पहुंचेगा कि वो अपनी ज़रूरत को पूरा कर लेगा, और अब हम उससे ज़्यादा दूर नहीं है, मेरे ख्याल से बड़ी जल्दी हम उस लाइन को क्रॉस कर जाएंगे, तो उसके बाद उसकी एक्सपोर्ट के हवाले से जो है वो उसको ड्राई मिल्क में कन्वर्ट करके, अगर आप ड्राई डिहाइड्रेशन का प्लांट लगा लें और उतना महंगी इन्वेस्टमेंट नहीं है तो वो आप लगा लें, तो आपकी अपनी ज़रूरत भी उससे पूरी हो सकती है और आप उसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। चीज़ दुनिया की सबसे बड़ी जो मिल्क प्रोडक्ट में जो सबसे बड़ी मार्केट है जिसका सबसे ज्यादा शेयर है वो चीज है, पनीर की मार्केट है। और वो पाकिस्तान में तो खास तौर पे आप काउ मिल्क का भी बना सकते हैं, लेकिन बफलो मिल्क का चीज बना के उसको खास तौर पे ब्रांड कर सकते हैं कि ये जी बफलोज मिल्क चीज है, उसको खास ब्रांडिंग खास प्रोडक्ट के तौर पर दुनिया के पास साथ लेके जा सकते हैं। इसी तरह बटर है जी,
क्रीम है, तो बहुत सारी ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जिनके अंदर आप थोड़ी सी वैल्यू एडेड सेक्टर के अंदर इन्वेस्टमेंट करके, तो इन चीज़ों को वैल्यू एड करके और दुनिया की मंडियों में इन तक रसाई पहुँचा सकते हैं। जैसे मैंने आपको कहा कि पाकिस्तान में चीज़ भी हमें इम्पोर्ट करना पड़ता है, क्रीम कुछ हम यहाँ प्रोड्यूस कर रहे हैं लेकिन कुछ ना कुछ क्रीम भी हम इम्पोर्ट कर, तो पाकिस्तान में ड्राइड मिल्क तो अच्छी खासी तादाद में हम इम्पोर्ट कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो हम अपने मुल्क की जरूरत ही पूरी कर लेंगे और उसके बाद जब हम एक्सेसिव प्रोडक्शन में चले जाएंगे तो दुनिया में इन चीज़ों की काफ़ी सारी मार्केट है। हाँ ठीक है जनाब, बाबा साहब बहुत शुक्रिया, हमारा प्रोग्राम थोड़ा सा बहुत आगे चला गया क्योंकि हमने आज ज़्यादा टाइम स्टील मिल पर लगा दिया और हमारा मकसद यही था कि आप लोगों की एक एक एक्सपर्ट के साथ जब बैठे हों तो एक्सपर्ट की बात जिनसी है वो ज़्यादा जोर रखती है, उसमें वजन होता है, जितने भी देखने वाले हैं उनसे उनके कुछ जहन क्लियर होंगे, शायद पावर कॉरिडोर में भी कोई देखने वाले हों शायद उनको ये बात समझ में आए। और जहाँ तक आप बात कर रहे थे कि लाइफ स्टॉक, मुझे लगता है कि हमें शायद अगला प्रोग्राम थोड़ा सा वैल्यू एडिट के भी बात करनी चाहिए। और आखिर में मैं इतना ही कहूँगा कि हमारे जितने भी ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, ये जो आखिरी सेगमेंट है उसमें एक बहुत बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, बहुत अच्छे रिटर्न हैं, कोई इस तरह की कोई रेड टेपिज्म जो ऐसे ही मशहूर है वो भी नहीं है, सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड है और बड़ी अच्छी गुंजाइश है कि आप पैसे लगा के ऐसे पैसे कमा सकते हैं। मैं आप सब लोगों को यही कहूँगा कि इसको जेहन में रखिए, हम फिर मिलते हैं अगले ट्यूजडे बाबर मलिक के साथ, लाइफ स्टॉक को थोड़ा सा टच करके फिर किसी और सब्जेक्ट पे जाएंगे। अनफॉर्चुनेटली आज हमने थोड़ा सा टाइम स्टील मिल पे लगा दिया, तो हम इजाज़त चाहते हैं बाबर साहब, बहुत शुक्रिया आपका, एवरी ट्यूजडे हमारे यूके के 1 बजे और पाकिस्तान के मेखल में आपके 5 या 6 बजे होते हैं, सो हमें इजाज़त दीजिए। आखिर में इतना ही कहूँगा, देखते रहिए नया दिन टीवी और फॉलो किए हमें यूट्यूब पे भी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू।